विदिशा जिले के कुरवाई में 14 अगस्त को शिक्षक के साथ दबंगों द्वारा की गई मारपीट को लेकर शिक्षक संघ में आक्रोश है। गुरुवार को शिक्षक संघ ने अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव के नाम तहसीलदार हेमंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि ईपीएस माध्यमिक शाला बरथेड़ा में पदस्थ प्रधान अध्यापक गोरेलाल अहिरवार के साथ मारपीट की गई थी। इसी के विरोध में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने एवं कड़ी कार्रवाई के साथ ही शाला की शासकीय भूमि पर रखे अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर जमींदोज करने की मांग की है। ये विगत कई वर्षों से चली आ रही है और आज स्थिति ये हुई कि हमारे प्रधान अध्यापक पर उन्होंने जान का हमला कर दिया। तो निवेदन यही है कि जब शासन हमसे वो जानकारी लेता है तो फिर हमारी सुरक्षा या उस पर कार्रवाई नहीं होती। और आज स्थिति ये है कि सरकारी भूमि जितनी भी विद्यालय की है सारों पर किसी न किसी ने कब्जा कर रखा है। तो फिर वो आदमी शिक्षकों को टॉर्चर करते हैं और धमकी देते हैं मारने की 354 और प्रकार की धाराएं लगाने की। तो अब इससे शिक्षक की स्थिति है कि करे क्या शिक्षकों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भिजवाने विषय महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ईपीएस माध्यमिक शाला बरखेड़ा में श्री गोरेलाल अहिरवार आदरणीय प्रधान अध्यापक श्री गोरेलाल जी अहिरवार जो बरखेड़ा में पदस्थ हैं उनके साथ 14 तारीख को जो है चंदू और उनके साथी भाई के साथ जो है नीरज के साथ मारपीट की गई उसी से संबंधित दी गई। अगर 3 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक जो है साले नहीं एक को किया गया अभी एक अभी फ्री है अभी एक घूम रहा है ऐसा सुना है। दोनों को गिरफ्तार किया जाए उन पर एक सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि उससे पहले भी शिक्षकों के साथ उन्होंने लगातार इस प्रकार की घटनाएं की हैं। शासन प्रशासन से हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि विद्यालय की जितनी भी शासकीय भूमि है उन सबको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जब मैं स्वतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा था उसी समय घटना हो गई थी। मुझे कमरे में बंद करके और पीटा गया और एक मेरे साथी को भी चैलेंज दे दिया कि तू कुछ कहेगा तेरी भी खैर नहीं होगी। धीरज सिंह और चंदू